अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल में लेकर आया हूँ वो है दुश्मन की ज़बान बंदी के लिए बहुत ही मजरब आजमूदा और पावरफुल अमल है। हर किस्म की ज़बान बंद करने के लिए जो ज़बान आपको तकलीफ़ देती हो, शर्त यह है कि जायज़ हो नाजायज़ के लिए ना हो। अगर आप कहीं किसी जगह जाब करते हैं, वहाँ कोई आपके ख़िलाफ़ बात करता है या कोई आपके ख़िलाफ़ किसी को भड़काता हो जिससे आपको नुकसान हो, गर्ज़ के किसी भी दुश्मन की ज़बान बंदी करने के लिए इस अमल को करें, दुश्मन की ज़बान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यह बहुत ही ताकतवर अमल है। तो अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अमल ये है कि आपने सिर्फ 3 दिन ही अमल करना है। इस अमल की बरकत से आपके दुश्मन का मुँह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नमाज असर के बाद और नमाज मगरब से पहले आपने ये अमल करना है। इस आयत मुबारका को, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, को 71 मरतबा पढ़ना है। इस अमल के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना अशद ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास दुश्मन की तस्वीर हो, और जब ये अमल करें और तस्वीर को सामने रखें और इस आयत मुबारका का वर्द करें और इसका उसका तसव्वुर दिमाग में रखते जाएं। नंबर 2, अगर तस्वीर नहीं है तो आप दुश्मन के घर की मिट्टी ले लें। मिट्टी को किसी बर्तन में या लिफाफे में डालकर सामने रखें और उस पर यह अमल करें। अगर मिट्टी या तस्वीर कोई भी चीज़ ना हो तो आप दुश्मन के घर का या उसका तसव्वुर दिमाग में बैठा कर यह अमल करें। तस्वीर है, 3 दिन यह अमल करने के बाद उसको किसी चलते पानी में बहा दें, फिर तमाशा देखें। मिट्टी है, आप इस पानी को अमल करने के बाद चलते पानी में बहा दें, फिर तमाशा देखें कि क्या होता है। तो अगर तसव्वुर है तो आप हर रोज़ ये अमल करने के बाद दुश्मन को तसव्वुर में फूंक मारें तो इंशाअल्लाह दुश्मन की ज़बान बंद हो जाएगी। अगर ज़्यादा दुश्मन है तो ज़्यादा दुश्मनों का करें, एक है तो एक के लिए करें। तो ये बहुत ही मुजरब और पावरफुल अमल है। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।